गाइस, आज गणतंत्र दिन पर सभी भारतीयों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं वैशाली। आप देख रहे हैं वैशालीस ऑरा इन वर्क। हाँ दोस्तों, तो आज हम सब ने बड़े खुशी से गणतंत्र दिन मनाया। मैं भी आज सुबह से ध्वजवंदन के कार्यक्रम में थी। मेरा बेटा भी आज स्कूल गया हुआ था, उसने भी इस कार्यक्रम में पार्ट लिया था। तो हम सभी ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया जो हमें भी लगे कि हाँ, ये गणतंत्र दिन हम सबकी लाइफ में कितना महत्व का है। मगर मैं जब सोचती हूँ तब लगता है कि सिर्फ एक दिन हम ये सेलिब्रेशन कर ले तो बहुत है। नहीं, हम स्वतंत्र हुए, उसमें भी ये जब गणतंत्र दिन मनाते हैं, इसके पीछे कई लोगों का बलिदान है, कई लोगों की कितने सालों की मेहनत है, कई लोगों की सारी जिंदगी हमें आजाद कराने में निकल गई। तो बस सिर्फ ये हम आ गए, ध्वजवंदन कर दिया, कोई कार्यक्रम कर दिया और खुश हो गए। कि मैं मानती हूँ कि हमें आज के दिन कुछ तो ऐसा नियम लेना चाहिए कि हम हमारी धरोहर की जो परंपरा है उसे हम संभाले। चलिए, तो सारी बातें हो गई। आज मैंने मेरे घर पर, मैंने कहा है, वैसे ही सुबह मैं गई थी ध्वजवंदन के लिए, वहां से आई और इसके बाद मेरे घर पर कुछ गेस्ट आए हुए थे और इस टाइम शाम को मैंने कुछ रेसिपी बनाई है आज स्पेशल, गणतंत्र दिन स्पेशल। तो वो भी आप देखेंगे, आपको कैसी लगी ये जरूर कमेंट। और हाँ, स्पेशली थैंक यू क्योंकि आप सबने मेरे चैनल को बहुत 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 प्यार दिया है, जैसे हमेशा मुझे मिलता रहता है आप सबसे, वैसे ही मिला है। तो मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ही हमेशा साथ देते रहिए। तो देखते हैं कि मैंने क्या बनाया है। मनन ने आज स्कूल में गणतंत्र दिन के प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। चलिए अब बनाते हैं एक गणतंत्र दिन स्पेशल रेसिपी, जो जिसमें मैंने बनाया है त्रिरंगी ढोकला। अब इसमें मैंने लिया है दो पार्ट वाइट ढोकला जो होता है उसका आटा लिया है, और एक बेसन लिया है। और ये जो पेस्ट है, ये पेस्ट मैंने बनाई है, मुझे लगा कि अगर पालक हो तो बढ़िया, मगर वो नहीं थी घर में, तो मैंने मटर थे, धनिया और हरी मिर्च, इसके साथ ये देखिए मैंने लिया है थोड़ा सा इनो और नमक। इतने सी चीजों से हमारे त्रिरंगी ढोकला बन जाएंगे। हम थोड़ा सा देखें तो घर में ऐसी कुछ ना कुछ चीजें मिल जाती है जिससे एक बढ़िया सी रेसिपी बन सकती है। अब इनमें से जो बेसन का बैटर है उसे मैं लूंगी और उसमें हल्दी और पिंच हींग डालूंगी। और जो दो पार्ट में मैंने वाइट बैटर लिया था उसमें से एक पार्ट में मैंने जो ये पेस्ट बनाई है वो मिला दूंगी। तो ये ढोकले हेल्दी भी बनेंगे और टेस्टी भी बनेंगे। तो ये तीन कलर के हेल्दी टेस्टी ढोकले बनाएंगे। देखिए ये बेटर ग्रीन हो गया है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम पहले लेंगे ये बेसन वाला बेटर और इसको अच्छे से मिला के उसमें इनो मिला लेंगे। अब इनो तभी मिलाना है हम सारे बेटर में जब जो बेटर हम कुक करने जा रहे हैं तभी। ये नमक मैं सब में डाल दूंगी, हींग भी सभी बेटर में डाल दी है, मगर इनो तभी डालना है तो ही अच्छे से ये फूलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम मिला लेंगे। और एक तरफ मैंने ओवन को 38 डिग्री पर 5 मिनट के लिए गर्म करने रख दिया है। देखते हैं कि ये त्रिरंगी ढोकला कैसे असेंबल करते हैं।
मैंने जो ओवन गर्म करने रख दिया था उसमें ये बाउल भी रख दिया था। अब इस बाउल को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। और पहला लेयर हम जो बेसन का बैटर बनाया था उसका करेंगे। उसमें अब देखो मैंने इनो मिला दिया है। और अब ये बैटर हम पहला लेयर कर देंगे और इसे 380 डिग्री पर ओवन में कुक करने रख देंगे। अगर ओवन ना हो तो हम जो ढोकला बनाने का कुकर होता है उसमें भी बना सकते हैं। अभी मैंने 5 मिनट के लिए ये पहला लेयर करने रख दिया है। दूसरे लेयर में वो जो मैंने वाइट ही रखा है उसमें भी इनो मिला लिया, अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये दूसरा लेयर करके मैं रख दूंगी फिर से ओवन में 380 डिग्री पर 5 मिनट के लिए। अब ये तीसरा कलर मैंने लिया है जिसमें मैंने वो ग्रीन पेस्ट मिलाई थी, ये ग्रीन कलर, और इसमें अब इनो मिला रही हूँ क्योंकि अब तीसरा लेयर भी मुझे उस पर करना है। ये अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब इसके ऊपर ऐसे स्पून से तीसरा लेयर मैं कर दूंगी। ये तीसरा लेयर हो गया। वैसे आपने इस गणतंत्र दिन पर क्या अलग किया वो मुझे जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आपकी भी एक्टिविटी मुझे शेयर करना। देखिए ये तीसरा लेयर मेरा हो गया। अब फिर से मैं इसे ओवन में 380 डिग्री पर अब 10 मिनट के लिए रख दूंगी। तो तीनों के तीनों लेयर अच्छे से पक जाएंगे। देखिए कितना अच्छे लग रहे हैं तीनों रंग, हो गए ना अलग, एक दूसरे से मिल नहीं जाएंगे। अगर हमें ढोकलिया में करना है तो भी ऐसे ही करना है, पहले थोड़ा पहला लेयर पका ले, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये हमारा त्रिरंगी ढोकला तैयार है। अभी से हम चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। गणतंत्र दिन की शुभेच्छाएं। बाय बाय।